Oh. I'm sorry. I'll help you. Yeah? क्या हुआ? पिताजी मुझे जान से मार देंगे। एक कांच का फ्रेम टूटने पर? घर जाने से पहले नया फ्रेम खरीद लीजिएगा ना। आई एम सॉरी। कहाँ जा रही हैं आप? अरे आप तो रो रही हैं। ये लीजिए रुमाल, आंसू पोछ लीजिए। अबे रुमाल पीछे करना यार। मैडम आप अपना सर मेरे कंधे पे रखे रोइए, मैं आपको बहुत प्यार से चुप कराऊंगा। लगता है दूसरों के आंसू पोछने का बहुत शौक है तुमको। अबे तो चुप बैठना यार। चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो, चलो। Why mess with a woman, man? I love you more than I can say. Yeah. हेलो भाई देवी, ये गार्डन नहीं है, रेलवे ट्रैक है। उठिए, यहाँ पे ट्रेन आने वाली होगी। ट्रेन का ही तो इंतजार कर रही हूँ। तो प्लेटफॉर्म में बैठ के कीजिए ना, यहाँ आपकी जान चली जा सकती है। मरना चाहती हूँ मैं। What? पागल हो गई हैं आप? अरे लोग दिल टूटने पर जान नहीं देते और आप एक कांच का फ्रेम टूटने पर जान देने जा रही हैं। आप नहीं समझते, बात फ्रेम की नहीं है। ओके, देन यू मस्ट बी फेसिंग अ टिपिकल देसी प्रॉब्लम। लेट मी गेस। हाँ, तुमने अपने घर वालों से कहा होगा कि तुम एग्जाम में कम से कम 80% मार्क लेकर आओगी और तुम हो गई फेल। अब तुम सोच रहे हो कि मैं घर वालों को कैसे मुंह दिखाऊं, राइट? नहीं तो फिर ये बात कहूंगा जो 100% करेक्ट होगी। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी किसी अमीर बाप के बदसूरत बेटे से कर दी और तुम्हें लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, यही बात है ना? ये भी नहीं है? तब तो ये डेफिनेटली प्यार का चक्कर है। तुमने किसी लड़के से प्यार किया और उसने तुम्हें शर्मिला, मुझे भूल जाओ। जिंदगी में मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा और ना ही तुम मुझसे मिलने की कभी कोशिश करना, अजय। ओ, तो इश्क में फेल हो गई हैं आप। अरे जिस लड़के में तुमसे फेस टू फेस बात करने की ताकत नहीं है, जिसने कागज के टुकड़े पर यह लिखकर भेज दिया, तुम उसके लिए जान देने जा रही हो? मैं तो कहता हूँ कि अपने माँ बाप की पसंद का कोई लड़का चुनो और शादी कर लो उससे। लेकिन जब मेरे माँ बाप को, अरे तुम्हारे माँ बाप को कैसे पता लगेगा अगर तुम उनको बताओगी नहीं? कुछ दिनों में उन्हें पता लगना ही है। कैसे? मैं माँ बनने वाली हूँ। देखो, कसूर तो उसका है जो तुम्हें धोखा देकर चला गया, मगर उसकी गलती की सजा तुम उस मासूम को क्यों देना चाहती हो जो तुम्हारे पेट में पल रहा है? तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? तुम जाकर अपने माँ बाप से सच सच बताओ ना, वो तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, उनका गुस्सा बहुत तेज है, उन्हें अपनी इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर है। वो पहले मुझे मार देंगे फिर अपने आप को। उन्हीं के डर से हम लोगों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। रास्ता है, तुम किसी को झूठा पति बनाकर अपने घर ले जाओ, वो कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में रहे और बाद में तुम्हें छोड़कर भाग जाए, सभी उसी को भला बुरा कहेंगे, लेकिन तुम्हें घर मिल जाएगा और तुम्हारे बच्चे को परिवार। सलाह देना आसान है, मगर ऐसा कौन है जो मेरी मदद करेगा? अरे तुम ढूंढो तो सही, कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। क्या तुम करोगे? मैं
Okay, let's go. ये जो आप खेत देख रहे हैं ना, yeah. ये सब हमारे हैं. Oh, wow, cool. घर में माँ है, yeah, yeah. दादाजी हैं, दादी हैं, सब अच्छे हैं. पिताजी भी बहुत अच्छे हैं. बस सिर्फ उनका गुस्सा थोड़ा तेज है. The old angry young man. Yeah. डाकू आ गए. अरे आपने बताया नहीं, आपके गांव में अभी भी डाकू है. You never told me still the dakus are there in your village. अपना डाकू भाई साहब, ये चंबल छोड़कर हमें अपने चुंगल में फंसाने के लिए क्यों आ गए भाई? Hey, हमारे ठाकुर साहब को डाकू बोलता है. ओके, ये ठाकुर साहब है, शिकार करने निकले. माँ आपकी जगह ठाकुर साहब वो दिन फाख्ता हो गए जब बेजुबान जानवरों का शिकार हुआ करता था. अगर ये चिड़िया भी मारी ना आपने तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा. अंदर हो जाएंगे आप. राजू ये क्या कर रहे हो? What can you do? ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? तुम मुझे गोली मारोगे? Come on, come on, hit me, come on, come on. राजू ये मेरे पिताजी हैं. Okay. All right. डैडी, मेरे अच्छे डैडी, बेजुबान जानवरों का शिकार मत कीजिए, उससे आपको सजा हो सकती है. कौन है ये? जी, ये मेरे पति हैं. श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह, उमा देवी, माँ आइए आइए, देखिए आपकी लाडली क्या तोहफा लेकर आई है. क्या बात है, क्या हुआ बेटा? आपकी बेटी ने बिना माचिस की तीली जलाए हमारे खानदान की इज्जत को आग लगा दी. ऐसा क्या किया है इस बच्ची ने? आपकी पोती श्रीमती बनकर आई है. हर लड़की मायके में शादी करके ससुराल जाती है, लेकिन ये ससुराल में शादी करके मायके आई है. कूल 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 है. ए, ये इशारे क्या कर रहा है? सीधा खड़ा रहे. आप आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं? आशीर्वाद नहीं दीजिएगा? बेटी तूने तूने शादी कर ली और हमको कब? ये लड़का कौन है? ये तो यही बताएगा. क्यों बे, कौन है तू? नाम क्या है तेरा? जी राजू. राजू तो ऐसे कह रहे हो जैसे राजकुमार हो कहीं के, प्रिंस हो. काम क्या करते हो? जी मैं फास्ट फूड चलाता हूँ. वड़ा पाव का? वड़ा पाव का नहीं. तो भजिया तलते होगे, इडली सांभर बेचते होगे. मेन्यू बदलने से हैसियत नहीं बदलती. अरे इसको भी तो कुछ बोलने देना. इसकी हैसियत क्या है मेरे सामने बोलने की? मैंने सोचा था बेटी पढ़ लिख कर डिग्री लेकर आएगी, लेकिन ये लेकर आई है. तो क्या बुरा किया? तू चुप रह. आप क्यों चुप खड़े हैं? आप क्यों नहीं बोलते कि जो इसने किया है वो गलत किया कि नहीं? हाँ गलत तो किया है, लेकिन लेकिन क्या? वो अब बेटी ने उसको पति मान लिया तो तू भी मान लेना. आप इसे शर्मिला का पति मानिए, लेकिन मैं इसे अपना दामाद कभी नहीं मानूंगा. तू डर मत, मैं हूं. मत रो बेटी, तू तो जानती है तेरा बाप कितना गुस्से वाला और जिद्दी है. उसके सामने मेरी तो क्या, उसके बाप की भी हिम्मत नहीं होती है बोलने की. मैं उनकी बेटी हूं, उन्हें जो कुछ भी कहना था मुझे कहते. लेकिन राजू को इस तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए था. बेटा उनका गुस्सा भी जायज है. बेटी के पैदा होने पर माँ को जितनी खुशी होती है उससे कहीं ज्यादा खुशी बाप को होती है उसको विदा करके. ये हक तो तूने उनका छीन लिया ना, तो थोड़े से नाराज होंगे ही. चल खाना लग गया है, जाके राजू को बुला. जा